ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स, ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में हमें ट्रांसफॉर्मर्स का एक नया समूह देखने को मिलता है जो है द मैक्सिमल्स। तो इस बार पृथ्वी की लड़ाई में ऑटोबॉट्स के साथ मैक्सिमल्स भी लड़ते हैं। मूवी की कहानी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन मुझे पसंद आया। यह मूवी माइकल बे ने डायरेक्ट नहीं की है, फिर भी इसका डायरेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा। परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी मज़ेदार थे। जितने भी ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपको पसंद आते हैं। मेन कैरेक्टर के साथ आप काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो और कैरेक्टर्स के लिए आप केयर भी करते हो। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया है, सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है। इसकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी मुझे परफेक्ट लगी, जो सीन्स को और भी बेहतरीन बना देती है। एक्शन सिक्वेंसेस काफ़ी यूनिक और एंटरटेनिंग है, एक्शन देखने में आपको मज़ा आता है। बस मूवी की कहानी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आगे क्या होने वाला है यह जानने की एक्साइटमेंट आपके अंदर रहती है। ये 2 घंटा और 7 मिनट की मूवी है और कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। तो इसका स्क्रीनप्ले भी मुझे पसंद आया और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है। इसके 3D इफेक्ट्स मुझे अच्छे लगे, बहुत बढ़िया तो नहीं थे लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं करते। हिंदी डबिंग मुझे बहुत पसंद आई और इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो इसे आप फैमिली के सामने देख सकते हो। ये बम्बलबी मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है। बम्बलबी मुझे इससे ज़्यादा पसंद आई थी, यह उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग है। इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है और कुछ जगह पर मूवी आपको हंसाती भी है। ओवरऑल अगर आप ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ के फ़ैन हो तो इसे आप मिस मत करना। मैं इस मूवी को दूंगा 7 out of 10। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि सिर्फ आपकी लाइक की वजह से ही हमें खुशी मिलती है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके स्क्रीन पर जो दोनों वीडियोज़ आपको दिख रही है, उनमें से भी जो आपको पसंद आ रहा है उसे आप ज़रूर देखें। 'Cause I've been living life.